हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिएक्शन वीडियो है ये, हॉकाई सीजन 1 एपिसोड 5। सीजन 1 एपिसोड 4 देखे हुए मेरे को बहुत टाइम हो चुका है। मेरी उसके बीच में शादी हुई है और मैं बाहर घूमने भी गया था, और ये सब चीज़ें होने के बाद अब मेरे को फाइनली टाइम मिल रहा है। आज जनवरी चालू हो चुका है, जनवरी में मैं बाकी दोनों एपिसोड देखने वाला हूँ, एपिसोड 5 और एपिसोड 6। उसका रिएक्शन तुम लोग देख पाओगे अब फाइनली। अब पिछले 4 जो एपिसोड के रिएक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड होपफुली तुम लोग को एपिसोड 5 और 6 का भी रिएक्शन अच्छा लगे। आई थिंक तुम लोग ने देख लिया होगा तभी तुम मेरे साथ देख रहे हो, वरना स्पॉइल कौन होना चाहता है। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लेना खुद से, उसके बाद देखना, क्योंकि यहाँ पे पूरा एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा, फालतू में स्पॉयलर्स मिल जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। पहले खुद एपिसोड देखो फिर रिएक्शन देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। वो नताशा की आवाज, 2018। ओके, ये ब्लैक विडोज को बचाने के लिए शायद वो मिशन होगा। ब्लैक विडो मूवी अगर तुम लोगों ने देखी हो, इसको रिलीज कर दिया, माइंड कंट्रोल से रिलीज कर दिया। ओके, एक्चुअली एक मिनट, होल्ड ऑन। जो जिसको ये लोग यहाँ पे बचाने आए थे ब्लैक विडो को माइंड कंट्रोल से फ्री करने के लिए, वो ऑलरेडी फ्री है, वो माइंड कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन वॉश नहीं है, तो वो एंटीडोट इन पे इस पर असर ही नहीं हुआ, और अभी ये कैचअप कर रहे हैं लोग। आई रियली लव्ड येलेना, मतलब मेरे को येलेना ये कैरेक्टर जो है ना, ये ब्लैक विडो मूवी की मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, मोर देन नताशा रोमनॉफ, बहुत सही लगी थी मुझे। अच्छा, ओ थैनोस की स्नैप के टाइम का है ये। ओ माय गॉड, अब 5 साल बीत चुके हैं, आई थिंक 5 साल बीत चुके हैं। इसके लिए 1 सेकंड था केवल, दुनिया के लिए 5 साल बीत चुके हैं। व्हाट द, यहाँ पे कौन रह रहा है भाई? ओ 5 years later आ गया भाई। Can you help me find Natasha? I need to tell her I'm okay. But वो तो है नहीं। अरे यार, नताशा तो she has gone. अभी इसको realize होगा नताशा है ही नहीं यार, fuck. Chills. I cannot lose Kate. I've lost people before. Okay, recap time. Come on, let's go. बहुत दिन बाद में देख रहा हूँ, previously on. Yes, I want to know. हाँ, इसको पता लग गया था। ओके, येलेना से यहाँ पे लोग मिले थे। इसकी मॉम बहुत सही है वैसे देखा जाए तो, एकदम सही चीजें बोलती है एट द राइट टाइम। थोड़ा डाउट है मेरे को कि इसकी मॉम को कुछ पता है। ओके, थोड़ा डाउट हो रहा है, उसके एक्सप्रेशन देख के लगा मेरे को। शी हैज नो आइडिया हु येलेना इज। एक तो इसकी स्टोरी भी बहुत इमोशनल बनाई है, मतलब शी इज काइंड ऑफ अ विलन, एंटी हीरो, बट शी इज वेरी सिंपैथेटिक, मतलब सिंपैथेटिक, इसको भी सपोर्ट करने का मन करता है। ओके, अपने फ्लैट वापस आ चुकी है, नाइस। बट यहाँ पर डॉगी होगा आई थिंक, बहुत दिनों से डॉगी होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, होना तो चाहिए, लास्ट टाइम यही देखा था। ओ येलेना,
Hi. That's a lie also. Come on, take a fork, eat. Eat, please. My daddy says it's good for you. इसकी हालत टाइट हो रही है. अच्छा ये इसका फ्रेंड जो बनाया था उसने पुलिस में जो था जिसने उसको रोनिन का सूट दिया था वापस. ग्रिल्स नाम था उसका. अच्छा डॉग यहाँ पे है क्या? पिज्जा डॉग. Are you in New York to talk to Clint? Is that why you're here? No. I'm here to kill Clint. I'm here to kill him. Wait a minute, somebody hired you to kill him? Val thi na? Val ne hire kiya hai. That is telling you Clint is a bad guy, then maybe you should ask yourself what kind of person hired you. He's not perfect, nobody's perfect, but he is good. करेक्ट. केट इज मतलब केट इस वक्त बहुत सही साउंड कर रही है. We are defined by what we do, not by nice words. I could or not, there is no escaping this. देखो क्लिंट को रोनिन बनने का अभी तक उसने प्राइस पे नहीं किया है. जो उसने जितना भी गलत काम किया उसने, भले ही वो उसने ट्रॉमा में किया, मतलब सदमे में आके किया, जो भी किया, मारा लोगों को और ये वो, बट एक्चुअली क्रिमिनल्स को मारा. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. मतलब आपको कोई हक नहीं है किसी को मारने का या किसी की जान लेने का. सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही हैज़ टू फेस. वही ये सीरीज में दिखाया है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्लिंट एक्चुअल में फेस कर रहा है, और केट यहाँ पे उसको ट्राई कर रही है डिफेंड करने का, बट येलेना इज़ लाइक फोकस्ड ऑन किलिंग हिम. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Cool hai yaar ye. Almost forgot. Lizzie dropped off the new outfits for you and Kate. You wanna see them? Outfit ban gayi in log ki. Nice. I'm so sorry. I looked under my hood and you were right. Don't blame me for calling the police. Get all this up. I'm back in a jiffy for your Christmas party. You'll see. Oh, pakadwa diya isne isko. Okay. Ye acting kar rahi hai. The Avengers first assembly. Official site of Avengers. Oh, yahi to bridge tha wo Avengers first Avengers mein. You were the bravest of us all, weren't you? Loyal, stubborn, always had your way, didn't you? And for stupid ones rock. Soul Stone ke baare mein bol raha. उसको इंस्पिरेशन मिल रही है फिर से जाने की. फिर जाने वाली है ये, फिर जाने वाली है ये. Clint, you think I want to leave all these messages like a crazy person? No, this is your fault. This isn't over, Barton. I'm gonna find you. The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Trust a bro. Bros are back. Bros are back. बहुत फनी लोग हैं ये लोग. ओके मैसेज भेजा है. ओ भाई चिल्स आते रहते हैं इस शो में बीच बीच में. फक फक भाई ये तो बैटमैन की तरीके कर रहा है. रोनिन बन के आ गए हैं अपने हॉकाई भाऊ.
इसको आइडेंटिटी क्यों रिवील कर दी रोनन की इसने? अवेंजर्स में इसको माइंड कंट्रोल किया था ना? यस किड स्प्लिट्स को। ओके तो इसके बॉस ने ही भेजा था इसके पापा को मारने के लिए, और मतलब ओके ओके गॉट इट। इसका बॉस कौन होगा? सरप्राइज। Why weren't you at the meeting that night? Oh, जिस रात इसके पापा मरे माया के रोनन के हाथों, उस रात में ये साथ में नहीं था उन लोग के। ओके इसको हल्का हल्का डाउट होने लग गया है। ओके इसको डाउट होने लग गया। यस। ओ भाई येलेना के बारे में नताशा ने इसको बताया है, मतलब इसको नाम पता है नताशा की बहन का, इसका मतलब है कभी ना कभी बताया ही होगा, ऑब्वियसली बताया होगा। पीछा कर रही है इसका। अच्छा ये पुलिस वाला नहीं है, ये एक्चुअल में फायर स्टेशन पे काम करता है। ओके कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, सो एपिसोड 5 खत्म हो गया है और लास्ट में रिवील हो गया है किंग पिन अपना आ गया है वापस। डेयरडेविल सीरीज जिसने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे उसको पता होगा किंग पिन कौन है, वही कैरेक्टर वही एक्टर प्ले कर रहा है किंग पिन को, और उसने हायर किया है एलिना और बिशप। ओके लेकिन वैल थी वो, अगर ब्लैक विडो मूवी के एंडिंग में देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि एक बंदी आती है येलेना के पास, वो ब्लैक विडो को येलेना को वो दिखाती है फ़ोटो कि तुम्हारी बहन के मर्डर का रीज़न इज़ हॉकआई, फ़ोटो दिखाती है उसकी, तो उसने हायर नहीं किया। तो फिर अगर वो भी इनकी टीम में शामिल है तो किंग पिन वैल, वैलेंटीना नाम है उसका शायद, वैल उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैल किंग पिन और हॉकआई इसकी केट बिशप की मम्मी, मतलब जो एलेना और बिशप है, तो ये तीन लोग आई थिंक वर्क फॉर द सेम ग्रुप, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सॉर्ट ऑफ थिंग हो सकता है, मतलब मैं तो यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये तीनों फिर एक ही ग्रुप के होंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन केट के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होगा क्योंकि उसकी मॉम से वो बहुत प्यार करती है, बहुत अटैच्ड है, और उसकी मॉम ही अगर गलत रास्ते पर जाएंगी तो फिर इट इज़ वेरी ट्रिकी। प्लस किंग पिन इज़ बैक, तो फिनाले जो होगा एपिसोड 6 दैट विल बी अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किंग पिन सर आ चुके हैं, जिसका मतलब ये रूमर था बट लीक्स इतना ज़्यादा देख लेते हैं हम लोग कि सब स्पॉइल हो जाता है अपने लिए, बट नेवरदलेस ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। विंसेंट डिनोफ्रियो उसका नाम है जो एक्टर किंग पिन प्ले करता है, और बहुत ही अमेजिंग बंदा है वो, खुद भी एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड रहता है किंग पिन प्ले करने के लिए, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी बैक इन दिस सीरीज। सो लेट्स सी उसने क्या किया है एपिसोड 6 में इन द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रिएक्शन ऑफ एपिसोड 5 ऑफ हॉकआई सीजन 1, एंड मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो। मार्वल कॉन्टेंट मैं दे रहा हूँ, अभी रिएक्शन आएगा हर सीरीज़ का आएगा, जो भी डिज्नी प्लस पे मार्वल की सीरीज आने वाली है सबका रिएक्शन आएगा, तो प्लीज़ 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 चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन द मस्ती। ओके बाय, टेक केयर।